हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ लॉ इन द कंपटीशन कम्युनिटी। और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आया हूं हमारी लॉ सिंप्लीफाइड सीरीज का एक और वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिकोड करेंगे सीआरपीसी की दो ऐसी टर्मिनोलॉजीज को जो आमतौर पर हमें कंफ्यूज कर देती है। जब पहली बार हम सीआरपीसी को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये दो शब्द आपस में पर्यायवाची हैं, जिसको हम सिनोनिम्स भी कहते हैं। बट जब हम सीआरपीसी को पढ़ के खत्म कर देते हैं, हम ट्रायल और डिस्चार्ज चार्ज ऐसी चीजों को पढ़ लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इन दोनों शब्दों के बीच में डिफरेंस तो है, लेकिन एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है उसको कोट कर पाना जरा मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आपके ये डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर दें और इस कॉन्सेप्ट को बहुत तेजी के साथ आपके दिमाग में बिल्ड कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि सीआरपीसी के अंडर में एक्विटल और डिस्चार्ज के बीच का फर्क। जब कभी भी यह सवाल किसी न्यूबी, यानी कि कोई ऐसा बच्चा जो पहली बार सीआरपीसी को पढ़ रहा है, जिसने अभी आधी सीआरपीसी पढ़िए, उससे पूछा जाए कि इन दोनों शब्द के बीच का डिफरेंस बताइए, तो शायद वो ये बोलेगा कि जब कभी भी किसी इंसान के ऊपर कोई केस चलता है और उस केस से उसे छोड़ दिया जाता है तो उसको एक्विटल या डिस्चार्ज कहा जाता है। लेकिन यहां पे मैंने और या ऑब्लिक नहीं एंड का लोगो लगाया है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, ये दोनों एंटिटीज के मतलब अलग हैं, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसा हम सबको पता है कि हम शुरुआत हमेशा स्क्रैच से करते हैं, तो हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट से। हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है प्रोसीजर के बारे में। किस चीज का प्रोसीजर सर? जो आईपीसी में ऑफेंसेस दिए हुए हैं, जैसा कि हमें पता है कि आईपीसी में ऑफेंसेस दिए हुए हैं, उसमें सजाएं दी हुई हैं, और उन सजाओं को किस तरीके से न्यायालय देंगे, उसके जो प्रोसेस है वो सीआरपीसी में डील किया जाता है। और ये दो शब्द कहां आते हैं? मोस्टली आते हैं सीआरपीसी में ही। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि सीआरपीसी में केस चलता कैसे है। तो भाई, जैसा हमें पता है कि सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, इसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया है। अगर प्रोसीजर को इन ब्रीफ, इन शॉर्ट समरी तरीके से समझने की कोशिश करी जाए, तो एक क्रिमिनल केस जो कि यहां पे इंस्टीट्यूट हुआ, उसके दो ही आउटकम हो सकते हैं। या तो जिस पर्सन के ऊपर केस फाइल हुआ था उसके बारे में यह पता चल जाए कि उसी ने क्राइम किया था तो उसको सजा हो जाएगी, या तो उसको बाइज्जत बरी कर लिया जाएगा। तो यही यहां पे लिखा हुआ है। अगर यह पता चलता है कि वो इंसान गिल्टी नहीं है तो हो सकता है उसको एक्विट कर दिया जाए, और या तो अगर यह पता चलेगा कि वो पर्सन गिल्टी है तो उसकी कन्विक्शन हो जाएगी, यानी कि उसको क्या मिल जाएगी? पनिशमेंट मिल जाएगी, ठीक है सर। ये बात तो हमें पता थी। अब चीजें इतनी सरल नहीं है। मान के चलिए उस केस में यह भी हो सकता है कि ट्रायल पूरा चला और पूरा चलने के बाद पता चला कि या तो उसको पनिशमेंट मिलेगी या तो उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायल चलने के बीच में, जब जज ने अभी तक अपने एंड से पूरा ट्रायल शुरू भी नहीं किया था, उसी समय जब पहली बार वो केस को सुन रहा था और जज को सुन के ऐसा लगा कि नहीं, इस समय जो है मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि जो इंसान इसके खिलाफ केस कर रहा है उसके पास पर्याप्त सबूत ही नहीं है कि वो इसके अगेंस्ट ये चार्ज लगा पाए और उसको सजा दिलवा पाए, तब वो इस इंसान को क्या कर देगा? डिस्चार्ज। और यहीं से दोनों के बीच फर्क आता है, एक्विटल और डिस्चार्ज का। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि कोई भी क्रिमिनल केस के दो आउटकम हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि वो पर्सन अगर नॉट गिल्टी है तो उसको एक्विट किया जाएगा, और अगर गिल्टी है तो उसको कन्विक्ट किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और टर्म्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे आसान तरीका है शब्द के अंदर से ही उसका मतलब ढूंढ के निकाल लेना, ठीक है सर। समझने की कोशिश करते हैं। अब इस वक्त, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपको दोनों शब्द के मतलब एग्जैक्टली नहीं पता है, तो आप कोशिश करिए कि आप पहली बार यहीं से समझ रहे हैं, ऐसी अंडरस्टैंडिंग आप अपने दिमाग में बनाएं। एक्विटल जो यहां पे लिखा हुआ है, एक्विटल शब्द के अंदर से हमने शब्द निकाला क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है? खत्म करना, रोकना, बंद कर देना। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टू क्विट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड प्रूव्ड इनोसेंट। ये जो शब्द यहां पे लिखा हुआ है इनोसेंट का, इसी की सबसे ज्यादा वैल्यू है। यानी कि एक्विटल कब होगा, जो कि पहली कंडीशन है, एक्विटल तब होगा जब कभी भी किसी पर्सन के अगेंस्ट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो क्विट कर दी जाए, यानी कि खत्म कर दी जाए। कब? जबकि वो इनोसेंट प्रूफ हो चुका हो तब। यानी कि जब कभी भी कोई इंसान किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इनोसेंट प्रूव हो जाता है, और वो इनोसेंट प्रूफ कब होगा? शुरुआत में कभी भी इनोसेंट प्रूव नहीं हो सकता। अगर एक क्रिमिनल ट्रायल ऐसे चलता है कि वो पर्सन पहले जज के पास जाएगा, जज उस पर चार्जेस फ्रेम करेगा, फिर दोनों साइड को सुनेगा, दोनों साइड के सबूत इकट्ठे करेगा, सबूतों को देखेगा, और उसके बाद वो ये डिसाइड करेगा कि ये पर्सन इनोसेंट है कि नहीं। यानी कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कंप्लाई हो जाने के बाद जब उसके अगेंस्ट के केस को क्विट कर दिया जाए, यानी कि बंद कर दिया जाए, तो उसको हम कहेंगे एक्विटल। और इसी केस में क्या कहा जाता है कि उसको
इज्जत बरी किया गया, उसके अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं मिला। ऑन द सेकेंड हैंड यानी कि दूसरी तरफ हम शब्द देख रहे हैं डिस्चार्ज का। डिस्चार्ज से हमें शब्द उठाना है चार्ज का। जैसा कि हमें पता है कि जब कभी भी कोई केस आप इंस्टीट्यूट करते हैं और जज के पास या मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या बनाता है, चार्जेस बनाता है, यानी कि किन किन सेक्शंस पे, किन किन ऑफेंसेस के बेस पे इस पर्सन के अगेंस्ट ट्रायल चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए ने बी के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट किया और बी ने क्या किया, ए को स्यू किया और ये दोनों गए कोर्ट में। जज ने क्या किया, उसके अगेंस्ट चार्जेस बनाए। लेकिन बी ने जब ए को अगेंस्ट स्यू किया तो जज ने देखा कि बी जो भी सबूत लेके आया है ना, वो जो सबूत है वो पर्याप्त नहीं है इसके अगेंस्ट केस को इंस्टीट्यूट करने के लिए, भी साबित करने के लिए कि केस इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। इन्होंने बी को कुछ समय दिया, बी उस समय में भी क्या किया, ए के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंसेस या इतना कन्विंस नहीं कर पाया जज को कि हां ए ने मेरे अगेंस्ट क्राइम किया था, तो उस केस में जज क्या करेंगे, एक्यूज को डिस्चार्ज कर देंगे, यानी कि ए को डिस्चार्ज कर देंगे, चार्ज से फ्री कर देंगे कि तुम जाओ बाहर, तुम्हारे अगेंस्ट चार्ज से हम फ्री कर रहे हैं। लेकिन यहां पे एक चीज आप देखिएगा, यहां पे कहीं इनोसेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहां पे सिर्फ इतना लिखा है टू गेट द अक्यूज्ड चार्ज फ्री, उसको जो चार्जेस उसके अगेंस्ट लगे थे ट्रायल में उससे उसको मुक्त कर दिया, जो ऑफेंसेस के चार्जेस लगे थे उससे उसको मुक्त कर दिया। लेकिन डिस्चार्ज में कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि उसको इनोसेंट प्रूव किया गया। क्यों? क्योंकि कोई सबूत नहीं लिए गए, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई ट्रायल नहीं चला पूरा। बस ट्रायल के एक फेज में जज को ऐसा लगा कि इसके ऊपर तो कोई सबूत बन ही नहीं रहा है, ये लोग केस क्या लड़ेंगे, फालतू में कोर्ट का समय व्यस्त कर रहे हैं, इनको हम भेज देते हैं। अब दोनों शब्द के बीच में फर्क समझिए। एक्विटल में उसके अगेंस्ट पूरा का पूरा ट्रायल चला था, इसीलिए उसको बाइज्जत बरी किया गया। यहां पे उसके अगेंस्ट सबूत नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह है कि सबूत आगे मिल सकते हैं। इसीलिए जब कभी भी कोई पर्सन डिस्चार्ज किया जाता है तो दोबारा उसके ऊपर केस इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, उसी केस में दोबारा इन्वेस्टिगेशन बिठाई जा सकती है। डिस्चार्ज आमतौर पर कब किया जाता है, पुलिस को इंस्ट्रक्शन देकर किया जाता है कि अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन पर्याप्त नहीं है, अब आप और इन्वेस्टिगेशन करिए और इस पर्सन के अगेंस्ट सबूत लेके आइए। आगे बढ़ते हैं और हम इस डिफरेंशिएशन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक्विटल का मतलब क्या है, लीगली फ्रीइंग द अक्यूज्ड व्हेन ही इज फाउंड इनोसेंट। लीगली फ्री करने का मतलब यानी कि कानूनी तौर पे उसको भार मुक्त कर देना, कानूनी तौर पे उसको बाइज्जत बरी कर देना जब वो फाउंड इनोसेंट हो। इनोसेंट है नहीं जब उसको पाया गया हो इनोसेंट, और पाया कब जाएगा, जब कोर्ट अपना ट्रायल चला चुका होगा। बाय द कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड एविडेंसेस सबमिटेड इन दिस रिगार्ड, ये कब करेगा उसको इनोसेंट प्रूव, जब उसके अगेंस्ट सारे एविडेंसेस और फैक्ट्स को कोर्ट खुद चेक कर लेगा और उसके बाद उसको डिक्लेयर करेगा कि तुम एक्विट किए जाते हो। ऑन दी अदर हैंड डिस्चार्ज के बारे में बात करें तो डिस्चार्ज मींस लीगल ऑर्डर ऑफ रिलीज गिवन बाय द मजिस्ट्रेट व्हेन द ग्राउंड्स ऑन व्हिच ही और शी इज अरेस्टेड केम आउट फॉल्स और अनसब्सटेंटिबल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब जज और मजिस्ट्रेट क्या करता है, लीगली उसको क्या करता है, फ्री करता है। हो सकता है कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए करे, हो सकता है अभी के लिए कर दे, उस केस में उसको इनोसेंट नहीं बोल रहा है कि ये जो ब्लेम लगा है इसमें ये इनोसेंट है। जज सिर्फ इतना बोल रहा है कि ये जो ब्लेम लगा है ना, अभी के हिसाब से इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उसमें सही नहीं बैठ रहा है, आगे आप और एविडेंसेस लाइए तो हम आगे का देखेंगे, फिलहाल इसको डिस्चार्ज किया जाता है जो चार्जेस आपने लगाए हैं उससे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब आता है फिर और वर्डिक्ट इन अ क्रिमिनल केस ऑफ नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये क्या है, एक वर्डिक्ट है, एक्विटल एक वर्डिक्ट है, यानी कि एक जजमेंट है जिसमें किसी क्रिमिनल केस में दिया गया हो और कहा गया हो कि यह इंसान नॉट गिल्टी है, यानी कि यह फाइनल है, कोर्ट ने मान लिया है कि यह गिल्टी नहीं है। यह केवल एक ऑर्डर है, और ऑर्डर किस चीज का है, उसके नॉट गिल्टी होने का नहीं है, ऑर्डर इस चीज का है कि ये जो सामने वाला पर्सन इसके अगेंस्ट केस कर रहा है उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है इसके अगेंस्ट केस करने के। इसका मतलब ये गिल्टी भी हो सकता है, नॉट गिल्टी भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि उस सामने वाले के पास सबूत नहीं है इसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है, एन एक्विटेड पर्सन कैनॉट बी रीअरेस्टेड ऑफ द सेम ग्राउंड। एक जो पर्सन जिसको एक्विट कर दिया गया, यानी कि एक न्यायालय में वो गया और उस न्यायालय ने उसको क्या किया, फ्री कर दिया कि तुम बाइज्जत बरी किए जाते हो, हमने तुम्हारे अगेंस्ट सारे सबूत देख लिए, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें दोष मुक्त किया जाता है, उस केस में उसको दोबारा सेम ग्राउंड यानी कि सेम केस के फैक्ट्स पे, सेम केस पे दोबारा अरेस्ट नहीं किया जा सकता। बट ऑन दी अदर हैंड अ पर्सन हु इज डिस्चार्ज कैन बी रीअरेस्टेड ऑन द सेम ग्राउंड। किसी एक पर्सन जिसको डिस्चार्ज कर दिया गया हो उसको क्या किया जाएगा, उसको दोबारा अरेस्ट किया जा सकता है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे इस वीडियो के एंड में। उसके साथ ही साथ अ पर्सन कैन बी डिस्चार्ज बिफोर फ्रेमिंग चार्जेस। अब एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए,
कभी भी आप ट्रायल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चार्जेस कब फ्रेम किए जाते हैं, जब मजिस्ट्रेट दोनों साइड को थोड़ा बहुत सुन लेता है और केस को समझ लेता है तो वह अपने से चार्जेस बनाता है कि किन किन चार्ज यानी कि किन किन ऑफेंसेस के बेस पे केस चलेगा, और उस चार्ज को बन जाने के बाद डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, तब पूरा ट्रायल चलने के बाद ही एक्विट किया जाएगा, या तब उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है, एक्विट किया जा सकता है जब एविडेंसेस उसके अगेंस्ट ना प्रूव हो पाए। लेकिन डिस्चार्ज अगर उसको करना है तो वो केवल एक ही सिचुएशन में हो सकता है, जब मजिस्ट्रेट ने स्वयं अपने हाथ से चार्ज को ना बना लिया हो। तो ये इसके बारे में बात कर रहा है। अ पर्सन कैन बी एक्विटेड ओनली आफ्टर फ्रेमिंग द चार्जेस, यानी कि एक जो सबसे इजी फर्क हम बता सकते हैं कि अगर कोई पर्सन डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट ने अभी तक उसके खिलाफ चार्जेस नहीं बनाए थे, और अगर कोई पर्सन एक्विट हो रहा है इसका मतलब उसके अगेंस्ट चार्जेस बन गए थे। एक में चार्जेस का बनना जरूरी है, एक में चार्जेस का बनना जरूरी नहीं है, ठीक है सर। और एक आखिरी डिफरेंस जो हमें देख के समझने की जरूरत है वो है एक्विटल इज ऑर्डर्ड व्हेन द इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड इज प्रूवन आफ्टर अ फुल इंक्वायरी। इनोसेंट प्रूव हो जाए कोई एक्यूज तब उसको एक्विट किया जाता है, पूरी इंक्वायरी कर लेने के बाद डिस्चार्ज जो है वो दिया जाता है बिकॉज ऑफ नॉन एविबिलिटी, यानी कि कोई सबूतों की ना मौजूदगी पे प्राइमा फसाई एविडेंस, यानी कि पहले इंस्टेंस पे ही कुछ ना मिला हो, तब उस पर्सन को हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। और आखिरी में चूंकि हम सीआरपीसी को पढ़ रहे हैं तो हम सेक्शंस को भी देख लेते हैं कि सेक्शन क्या कहते हैं। सेक्शन 248 जो है सीआरपीसी का कहता है, इफ द मजिस्ट्रेट फाइंड्स द अक्यूज नॉट गिल्टी इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर इन विच अ चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड ही शैल रिकॉर्ड द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। यानी कि जो चार्ज उस मजिस्ट्रेट ने बनाया था उसमें उसको क्या पता चलता है, वो पर्सन नॉट गिल्टी है तो उसको क्या करेगा, एक्विट करेगा। ऑन द अदर हैंड सेक्शन 227 ऑफ सीआरपीसी टॉक्स अबाउट इफ द जज बिलीव्स दैट देयर आर इनसफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर फर्दर प्रोसीडिंग, जज को ऐसा लगता है कि ग्राउंड इनसफिशिएंट है किस चीज के लिए, फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए, अगेंस्ट द अक्यूज आफ्टर रिव्यूइंग द केस फाइल एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड एंड आफ्टर हियरिंग द बोथ पार्टीज द अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज्ड। अब इसको एक एग्जांपल से अगर मैं आपके लिए पाइल अप करूं तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसा कि हम बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, मान लेते हैं संता ने बंता को क्या किया, उसके घर में घुस के उसको बहुत मारा। बंता ने क्या किया, संता के अगेंस्ट केस किया कि इसने मुझे घर में घुस के बहुत मारा। अब इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। बंता ने यह प्रूव कर दिया कि हां संता ने मुझे घर में घुस के बहुत मारा, तो उस केस में क्या होगा, वो सारे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स, सारे एविडेंसेस, मोहल्ले वाले भी आए और आके उन्होंने गवाही दी और जज को लगा कि हां ये बात सही है, तो जज ने क्या किया, उसके अगेंस्ट चार्ज बनाया। अब पूरा ट्रायल चलेगा और आखिरी में जज ये डिसाइड करेगा कि एक्विट होना है कि कन्विक्ट होना है, और अगर मान लीजिए पता चल जाएगी संता की गलती नहीं थी पूरे ट्रायल में तो संता को एक्विट कर दिया जाएगा। अब संता डिस्चार्ज कब होगा, मान लीजिए संता एक बहुत बड़े गुंडे हैं, बहुत बड़े डॉन हैं, और उनके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं मिला, उनके अगेंस्ट कोई गवाह नहीं मिला, उनके अगेंस्ट कोई इंसान बोलने को तैयार नहीं हुआ, और बंता अकेले थे कोर्ट में, उनके पास कुछ भी नहीं था जिससे वो सबूत देके बता पाए कि हाँ इन्होंने मारा है, और प्राइमा फसाई जज को कन्विंस कर पाए कि फर्स्ट इंस्टेंस पे क्राइम हुआ है, अब आप इसका ट्रायल चलाइए, जज को वो कन्विंस नहीं कर पाए कि ट्रायल चलने लायक केस है, तो उस केस में जज जो है वो संता को क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। यही फर्क है डिस्चार्ज और एक्विटल का, एंड आई होप आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, हम आपके डाउट वहां पे क्लियर जरूर कर देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड एंड लर्निंग फुल वीकेंड एंड अ कमिंग वीक। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ वेरी लर्निंग एंड स्टडी फुल वीक। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के करियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।